देखो गाइस कैसे आप लोग, ऐसे लोग कैसे बढ़िया होंगे, रंगे भी बढ़िया है। तो गाइस स्वागत है कैसे को न्यू फर्स्ट वीडियो में यार भाई। तो गाइस जो बंदा नेक्स्ट सीजन ग्रैंड मास्टर करना चाहता है, सभी करने चाहते होंगे, लेकिन जिसके पास स्क्वाड नहीं है उसके लिए वीडियो होने वाली। तो सबसे पहले गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट उसके लिए बता दूँ, जब सीजन आता है जब गेम प्ले मैटर नहीं करता भाई, ये मत सोचना कि मेरा गेम प्ले, वहाँ पर तुम्हारा कैरेक्टर स्किल और दूसरा गाइस तुम्हारा भाई वो दिमाग, समझो ना, सिर्फ दो चीज़ मैटर करता है और इन्हीं दो चीज़ का यूज करता है हर रीजन प्लेयर। बस फर्स्ट का दिन और सेकंड दिन और थर्ड दिन, शुरू का जो फर्स्ट सेकंड दिन थर्ड दिन रहता है ना, सिर्फ और सिर्फ दो चीज़ मैटर करता है, पहला कैरेक्टर स्किल, क्योंकि कैरेक्टर स्किल से ही गाइस गेम निकलने वाला है, और दूसरा आपका दिमाग, दिमाग से भी गेम निकलने वाला है। बस ओनली ऑन टू थिंग यार भाई, बस दो चीज़, एक ही दो ही चीज़ इंपॉर्टेंट रहती है यार भाई, ठीक है। तो सबसे पहले बता दूँ यार भाई, कैरेक्टर स्किल में हमेशा अगर आप सोलो रैंक पुश करोगे तो सबसे पहले आप लोग को क्या लगा के रखना है, जो क्या बोलते साइलेंट वाला है गाइस, उसका नेम फिर भूल गया मैं, अब भाई उस कैरेक्टर का नेम भूल गया जो साइलेंसर लगाता है रफालो करके, वो टकला कैरेक्टर रहता है, मैं नेम भूल जाता हूँ उसका रफालो, ठीक है। तो उसको लगा के रखना है राफिल, जी हाँ वालों को याद आ गया नेम, राफिल, राफिल लगा के रखना है आपको। और सेकंड पे फट कैरेक्टर में आपको पता ही है ग्लिच चलता है फट कैरेक्टर में आपका जोन ग्लिच, तो कैसे उसको लगा के रखना है। और थर्ड में आप लोग को या तो आप लोग लूना लगा सकते हो या तो बाइक वाला स्किल लगा सकते हो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। क्योंकि भाई थर्ड में व्हीकल वाला स्किल भी बहुत इंपॉर्टेंट है और लूना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लूना फायर रेट बढ़ा देता है आपकी गन का, ठीक है, लूना फायर रेट बढ़ा देता है आपकी, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम बात करते हैं गाइस फर्स्ट लैंडिंग, तो फर्स्ट लैंडिंग किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं है, जिसको जहां करना है वहां कर सकते हो, बस दो एक दो किल निकल जाए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि भाई सिर्फ और सिर्फ आप लोग को चार किल चाहिए और आपको 40 का प्लस कन्फर्म है, डायमंड रैंक का बता रहा हूँ, डायमंड रैंक पर आपको 40 से ऊपर प्लस मिलेगा। फर्स्ट दिन का टिप्स है भाई लोग, फर्स्ट दिन आप लोग ऐसे ही खेलने वाले हो, अगर आप लोग सोचो कि भाई मेरा गेम प्ले अच्छा है तो भाई कुछ नहीं कर लेता गेम प्ले, जब थर्ड पार्टी होती है ना आगे पीछे चार टाइप से बचाते हैं ना, तो ये नहीं है कस्टम थोड़ी कि अनलिमिटेड किलू तुम्हारे पास तुम डाल के बच जाओगे, वहां पहले जाओगे, ठीक है। तो इसलिए बोल रहा हूं आप लोग को दिमाग, कैरेक्टर, स्किल, बस और थर्ड पे पेशेंस, जितना पेशेंस रख पाओगे फिर आपको क्या करना है फॉलो करके, दो स्टेप तो फाइनली मैंने कर दिए, पहला आपका कैरेक्टर स्किल बता दिया, दूसरा लैंडिंग आपको जहां करना है, थर्ड नंबर पर जब आप लोग सेकंड लैंडिंग करोगे तो आप लोग को लूट करके बैठ जाना है, जब आप लोग का फर्स्ट जोन श्रिंक होने लगे तब आप लोग को जोन को रोटेशन लेके कवर करना है। जैसे देखो यहां पे सीन क्या होता है, मेरे को लास्ट जोन का पता चल जाता है एंड जोन का, तो भाई लोग अगर मैं पूरा एंड जोन को पीछे से कवर कर लेता हूं, अब यहां पे देख लो भाई लोग एक छोटी सी मैं आप लोग को बताने वाला हूं, भाई इस जगह पे मेरे को टोटल 4 फुल लेवल के 4 मशरूम मिल गए भाई, देख रहे हो क्या है, तो भाई 4 मशरूम एक ही जगह पे 4 फुल लेवल के, समझो ना, और एक 2 लेवल पर था भाई, इतनी सारे मशरूम, चलो छोड़ो मैं तो ऐसे बोल रहा हूं। अब हम बात करते हैं यार भाई लोग मशरूम, लेकिन रियल थे आप लोगों ने देखा होगा, तो गाइस मैं पूरा रोटेशन लेके आता हूं, तो गाइस आप लोग को हमेशा जोन में सीधा नहीं जाना है यार भाई लोग, ये तो मैं हर बार बताता हूं और आप लोग को पता ही होगा, क्योंकि भाई आपको पता है जोन में सीधा जाओगे तो आप लोग एक बंदे से बचोगे, दो से बचोगे, लेकिन तीसरे से मारे जाओगे। तो भाई मैं कहां से देखो कहां से पूरा जोन को रोटेशन ले लेता हूं भाई, कितने दूर से मैं पूरा जोन के रोटेशन लेके जोन को कवर कर लेता हूं और जोन की साइड में आ जाता हूं गाइस, देख लोगा, क्योंकि गाइस इसके सबसे बड़ा बेनिफिट रहता है आपके पास जोन भी है और पास में रहता है ना, आपके पास जोन पास में रहता है तो आप लोग को जोन का कोई टेंशन नहीं रहता, तो आप लोग को हमेशा जोन का रोटेशन लेके ही जाना है, सीधा नहीं जाना। अब हम बात करते हैं जब आप लोग का टॉप 20 हो जाए फाइट करना चालू कर देना भाई लोग, टॉप 20 से टॉप 15, क्योंकि आप लोग को प्लस ही मिलने वाला है भालू करके, टॉप 20 से टॉप 15 में आप लोग को फाइट करना चालू करना है भालू करके। अभी तो गाइस बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा गाइस, बहुत सारे सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप लोग की रैंक पुश करने में बहुत ज़्यादा हेल्प होने वाली, डुओ की बताऊंगा, क्योंकि भाई डुओ तो मैं पर्सनली खुद पुश करता हूँ, मैं सिर्फ डुओ करता हूँ, तो उसकी मैं बाद में बताऊँगा। फिर आपको क्या करना है, जैसे 15 बंदे बचे आप लोग फाइट कर ले, फाइट करना चालू कर देना, बट फाइट थोड़ा सेफली करना, मतलब आगे पीछे चारों साइड देख के करना। तो यहाँ पे देखो मेरा 2 किल, हाँ गाइस एक मोस्ट इंपॉर्टेंट, आप लोग को बुइया नहीं निकालना भाई लोग, बुइया नहीं निकालना, क्योंकि भाई बुइया से आईडी ब्लैक लिस्ट बहुत बंदों का हो रहा है भाई लोग, आप लोग को पता भाई, और गाइस इसका भाई समझो ना क्या सीन है बुइया में, भाई आपका आईडी कितने दिन ब्लैक लिस्ट रहता है कोई समझ में नहीं आता भाई, समझो ना, तो आप लोग को बुइया नहीं निकालना मेरे भाई, बुइया स्टिक तो बिल्कुल भी मत बनाओ मेरे हिसाब से भाई लोग, करके टॉप 2 करो और मर जाओ भाई लोग करके, ज़्यादातर बंदे तो यही कर रहे हो, फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है जो आपको करना है भाई लोग, बट मैं तो अपना ओपिनियन शेयर करूंगा, बुइया मत करो कोई फायदा नहीं है। अब यहाँ पे देखो मेरा 2 किल हो जाता है और गैस यहाँ पे देखो गैस बंदे 11 है, अब आप लोग सोचोगे भाई मेरा तो किल ही नहीं हुआ यार भाई, अगर अब भी देखो गैस मैं कैसे करके किल कर लेता हूँ भाई, मेरा देखो और गैस फटाफट गैस अब मेरे को किल करना पड़ेगा, लगभग 5 किल करना पड़ेगा, बट मेरे को टेंशन नहीं है, क्योंकि भाई जितना आप पेशेंस रखोगे ना उतना ही किल मिलता है भाई। अब मैं आप लोग को मतलब सब्र का फल मीठा है तो सुना होगा, अब आप लोग को दिखाता हूँ भाई,
भाई। ठीक है यार भाई, कैसे मैं किल करने वाला हूँ, सिर्फ और सिर्फ 10 बंदे बचे और मेरे को 2 से 3 किल चाहिए यार भाई। करके आप लोग सोच सकते हो मास्टर रैंक पे मेरे को इस गेम में टोटल है 21 का प्लस मिलता है, 20 से 21 का, तो डायमंड रैंक पे आपको 40 से 45 का प्लस मिलेगा। आप देखो कैसे यहाँ पे सीन क्या होता है, कैसे मेरे को पीछे से भी बंदा मारने लगता है और कैसे ऊपर से भी मारने लगता है, चारों साइड बंदे आ जाते हैं। तो यार कैसे मैं पीछे वाले को देख रहा था बट वो नहीं आता, इतने में मैं थोड़ा और वेट करता हूँ यार कैसे, यहाँ पे एक साइड और मेरे को ग्रेनेड करने लगता है बंदा, एक साइड इस साइड भी बंदा आ जाता है, इतने में वो पीछे वाला दिख जाता है मेरे को, तो कैसे मैं उसको डैमेज देता हूँ भाई। करके फाइनली 2 गोली मारता हूँ, तीसरा गोली में वो मर जाता है, क्योंकि तीसरा गोली में भाई वुड पिकर का आप लोग समझना 150 का डैमेज उसको टोटली दे देता है, और जोन में वो ऑलवेज डैमेज होगा क्योंकि जोन देखो कितना छोटा है। अब यहाँ पे देखो एक बंदा मेरे को ग्रेनेड कर रहा था, ठीक है, बहुत ज्यादा साड़ा बन रहा था, तो कैसे मैं इसको ग्रेनेड करता हूँ भाई, तो कैसे फाइनली ये ग्रेनेड से तो बच जाता है। फिर मैं एक वॉल डाल लेता हूँ क्योंकि भाई ये बहुत तगड़ा डैमेज देता है, मेरा वेस्ट फाड़ देता है। यहाँ पे मेरे को लग रहा था मैं जाने वाला हूँ क्योंकि मेरे पास वेस्ट नहीं था, वेस्ट नहीं रहता तो मेरे को कभी भी उम्मीद नहीं रहता कि मैं फाइट जीत पाऊंगा, तो मैंने यहाँ पे सोच लिया था जाने लगता है। बट एक गमार इंटेलिजेंट भाई क्या करता है भाई, यहाँ से भागता और मैं इसको दे देता हूँ वॉन्टे भाई गोपी वाला। तो बस यहाँ पे देख लो मेरा फाइनली 4 किल हो चुका है अभी देख सकते हो, और अभी 7 बंदे अलाइव है भाई, यानी कि यार गाइस मेरा 2 किल हो चुका है, 10 में से 2 मैंने कर दिया, एक बंदा ही मेरे को नहीं मिला। अभी मेरे को लगभग यार गाइस 1-2 किल और करना पड़ेगा, मेरे को बुझिया तो नहीं करना भाई, टॉप 2 पे जाऊंगा, लेकिन टॉप 2 तक तो जाके रहूंगा कोई भी हालत में, फिर वहाँ पे देखेंगे भैया करना है कि नहीं करना है यार भाई। तो चलो यार भाई करके सभी अपन लोग करके फाइनली यार गाइस प्रोटेक्ट से फाइट करने चलते, अपना 4 किल हो चुका है गाइस, बंदे अभी भी 6 अलाइव है यार भाई। तो मैं जैसे आगे पे जाता हूँ मेरे को लगता है सामने एक बंदा है भाई, तो मैं इसको स्कोप ऑन ऑफ करता हूँ, मेरे को लगता है, तो फिर फाइनली गाइस मैं क्लियर जब हो जाता है जब वो वॉल डाल लेता है क्योंकि वो भी मेरे को देख लेता है। इतने में मैं इस घर के अंदर जाता हूँ, इतने में गाइस राइट से एक व्हीकल लेके आ जाता है, तो गाइस मैं इसको तुरंत मारने जाता हूँ क्योंकि मेरे को पता है बंदा ऑलवेज डैमेज होगा, क्योंकि भाई इसके पास गन वन कुछ नहीं है, ये 4 का बेस्ट लेकिन बस इसके पास यार भाई, तो मेरे को थोड़ा वॉच कर रहना पड़ेगा। बट ये बंदा कहाँ गया इतने जल्दी भालू कर गए, इतने में जोन आ जाता तो मैं जोन में निकल जाता, और मैं इसलिए लेफ्ट से नहीं जाता क्योंकि मेरे को पता है वहाँ पे एक बंदा ऑलरेडी, और अगर मैं फंस गया तो मैं मतलब वहाँ पे थर्ड पार्टी मेरी हो सकती है, तो मैं राइट से जाता हूँ, तो मैं राइट में एक बंदा रहता है, मैं इसको हेड में लेने का ट्राई कर रहा हूँ, बट भाई वो बंदा क्या मेरे ही पास आता है मरने भाई, सीधा आ गया मरने, तो मैं इसको अपनी तरीके से मार देता हूँ। जैसे इसको मारता हूँ मेरे वो बंदा भी निकल आता है जो मैं पहले इसको गाड़ी वाला, तो फिर इसके ऊपर मैं ग्रेनेड करता हूँ यार भाई, उसके पास वॉल थाने वो मेरे ऊपर रश करने लगता है, फिर वाइल वाइल तो बस मैं क्या करता हूँ फटक से इसको 2 गोली मारता हूँ और उसके ऊपर रश कर देता हूँ, और फाइनली मैं रश करके उसको भी तरीके से मार देता हूँ। मेरा देख सकते हो 6 किल हो गया भाई, समझो ना, मैं इसलिए बोल रहा हूँ जितना हो सके लास्ट में फाइट करो, किल मिल ही जाता है भाई, बहुत ही कम है जिसको किल ना मिले भाई, समझना। फिर सामने पे एक और बंदा दिखता है भाई, फाइनली मैं उसको नॉक कर देता हूँ भाई, फिर एक और बंदा आता है मैं उसको डैमेज देता हूँ, बट वो बंदा बच जाता है, नॉक वाला मेरे को किल आ जाता है, और फाइनली मेरा 7 किल हो जाता है, और सभी बंदे सिर्फ 2 अलाइव है, तो चलो फटक से अपन लोग कर देते हैं रश, और फाइनली ये बंदा मेरे को देख लेता है, बट गाइस यहाँ से मेरे से बहुत बड़ी गलती हो जाती, मैं मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे खेल रहा था, तो मैं मतलब कॉन्फिडेंस में आके गलती कर देता हूँ, मैं यहाँ से निकल के मारता हूँ, बट मेरी 18-87 की उतनी ज़्यादा रेंज नहीं थी, बट उसका हेड भी घल जाता ना, मैं बॉल भी डाल लेता हूँ फिर भी मर जाता हूँ। चलो कोई ना, मेरे को भैया तो निकालना भी नहीं था वैसे भी, तो गाइस आज के लिए बस इतने ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यार भाई, वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर देना भाई, सभी लोग से दिल से रिक्वेस्ट है।